का डॉक्टर सजल सरकार BHMS स्वस्थ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ती हुई एक कदम और। दोस्तों आज जो टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वे काफी इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो ह्यूमन डिसीज के ऊपर में जितने भी टॉपिक बनते हैं वे सभी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे, क्योंकि जिसको जो तकलीफ होता है वही जानता है कि एक्चुअली तकलीफ में दर्द कितना होता है। तो दोस्तों आज जो टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है स्किन एलर्जी। और इसके बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक में रेगुलर आते हैं और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में। पेशेंट बहुत सारे जगह पे अपना इलाज भी करवा चुके रहते हैं लेकिन कहीं पे भी उनको परमानेंट रिजल्ट या सोल्यूशन नहीं मिला रहता है मिलता है। पेशेंट को हो सकता है कि कुछ समय के लिए रिजल्ट मिलता है लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं या मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं तुरंत ही सेम कंडीशन अपीयर हो जाता है और पेशेंट काफ़ी तकलीफ सहन करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एक्चुअली स्किन एलर्जी है क्या, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं वो भी परमानेंटली। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्किन एलर्जी? जब कोई एलर्जी सब्सटेंस या प्रोडक्ट हमारे स्किन के साथ में या हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ में रिएक्ट होता है तब ये स्किन एलर्जी प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द डिसीज? क्या क्या वजह है जिसके चलते ये हमारे शरीर में काफ़ी आसानी से आ सकते हैं? तो फर्स्ट है दोस्तों पोलन या फूलों का पराग, सेकेंड है डस्ट, थर्ड है सन एक्सपोजर, फूड एलर्जी, कॉन्स्टिपेशन। दीज आर सर्टेन फैक्टर जिसके चलते ये काफ़ी आसानी से हमारे शरीर में आ सकते हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज? तो दोस्तों फर्स्ट ये बहुत सारा स्मॉल रेड इरप्शन अपियर इन आवर स्किन, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे रेसेस हमारे शरीर में आ जाते हैं और ये कहीं पे भी हमारे शरीर में दिखाई देते हैं जैसे कि हाथों में, पैरों में, गर्दन के पीछे, पेट में, बॉडी के कोई भी हिस्से में ये दिखाई देते हैं। कुछ समय के लिए रहते हैं अपीयर, फिर से वो चले भी जाते हैं, फिर से ये अपीयर होते हैं, फिर से चले जाते हैं, मतलब 24 आवर ये कॉन्स्टेंट रहते भी बहुत सारे केसेस में नहीं रहते हैं। पेशेंट हमेशा हाथों में, पैरों में खुजलाता रहता है, खुजली के चलते काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है पेशेंट। खुजली करने के बाद में पेशेंट को जलन भी महसूस होता है। पेशेंट हमारे क्लिनिक में जब आते हैं तो देखने के लिए ये मिलता है कि उस कंडीशन में तो रेसेस बॉडी में कुछ है ही नहीं। पेशेंट दिखाने के लिए चाहते हैं लेकिन बहुत सारे केस में देखा जाए तो स्किन तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन उस सब केस में अगर हम थोड़ा गहराई में जाके अगर डायग्नोज करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे रेसेस वगैरह हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, जो छोटे छोटे लाल दाने टाइप के रहते हैं और उसमें हल्का सा सूजन भी रहता है खुजली कर करके। तो ये सब कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी महसूस होता है और पेशेंट काफ़ी जगह भी इलाज भी किया चुका रहते हैं लेकिन वह कहीं पे भी उनको परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर में कोई भी एज में हो सकता है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों किसी को भी स्किन एलर्जी हो सकता है और ये 3 से 4 टाइप के बेसिकली ये देखा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट है एलर्जिक रिनाइटिस जिसको हम हे फीवर भी कहते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी टॉपिक बन चुके हैं। सेकंड है हिप्स या अर्टिकेरिया जिसको ऊपर काफ़ी जल्दी वीडियो बनेगा ताकि आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल सके। तीसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो ये 3 4 टाइप के वैरायटी हैं जो हमारे शरीर में बेसिकली दिखाई देते हैं। हर पेशेंट को अलग अलग कंडीशन बॉडी में अपीयर होता है। तो आज हम जो है टॉपिक में चर्चा करने हैं वो है स्किन एलर्जी। तो वो शरीर में बॉडी के कई भी हिस्से पे दाने चालू हो जाते हैं छोटे छोटे हल्के, जो खाली आंखों में बहुत सारे कंडीशन में दिखाई भी नहीं जाता है। दोस्तों जैसे कि हमने कहा था कि ये जैसे कि फूलों का पराग से कांटेक्ट में होता है, तो देखे होंगे दोस्तों कि आप लोग जैसे कि बाग बगीचा में या जंगल में कहीं जाते हैं और रिटर्न आने के 24 से 48 घंटे के अंदर में ही स्किन में बहुत ज़्यादा दाने, छोटे छोटे दाने चालू हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट महसूस होता है। वो सब बहुत सारे केस में पेशेंट एविल या सिट्रिजन जैसा टैबलेट ले लेते हैं ताकि कुछ समय के लिए उनको खुजली में राहत मिले, लेकिन जैसे ही दवाई का पावर ख़त्म हो जाता है दोस्तों तुरंत वही सेम कंडीशन अपीयर हो जाता है। दोस्तों जैसा कि डस्ट हो गया, जैसा कि बहुत सारे लोग या भाई बंधुगण फील्ड एरिया में काम करते हैं और धूल मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हैं
और कांटेक्ट में आने के बाद में ही जैसे ही घर पे भी आते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर में उनके शरीर में बहुत जगह पे रेसेस या दाने वगैरह चालू हो जाते हैं, जिससे हम डस्ट एलर्जी भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे पेशेंट को छींक वगैरह, स्नेजिंग, छींक, सर्दी जुकाम चालू हो जाते हैं, जिसको हम एलर्जी राइनाइटिस कहते हैं, जिसका कि ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं। और जैसा हो गया फूड एलर्जी दोस्तों, हो गया कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट लोगों को जैसे कुछ खाने से जैसे कि दूध पी लिए तो उस दिन उनको खुजली काफ़ी ज़्यादा हो गया है, या बैंगन खा लिए तो उस दिन उनको खुजली शरीर में काफ़ी ज़्यादा लगता है, या झींगा मछली हो गया या मछली हो गया खाने ही शरीर में बहुत जगह पे दाने वगैरह रैसेस चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ एलर्जी फूड है जैसे कि झींगा हो गया, बैंगन हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, खट्टे अन्य फूड प्रोडक्ट हो गए, मछली हो गया, सारू हो गया, ये सब कुछ फूड प्रोडक्ट है जो एलर्जेटिक है, जो बेसिकली खाने से काफ़ी पेशेंट को इससे एग्रावेशन होता है और शरीर में बहुत जगह पे छोटे छोटे दाने वगैरह चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के फूड को हम जब पेशेंट आते हैं तो उनको हम कहते हैं कि इस टाइप का फूड वगैरह आप ना खाइए, ताकि आपको इससे कोई फूड एलर्जी ना हो या ऐसे कोई रेसेस वगैरह ना हो। उस समय के लिए उनको बंद किया जाता है ये सब खान पान, और प्रॉपर अगर रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वे काफ़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट का पेट साफ नहीं रहता है, इसके चलते हमारे शरीर में बहुत जगह पे रेसेस वगैरह क्रिएट होते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ऐसा चीज़ है, अगर हमारा पेट साफ नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में या पेट में इन्फेक्शन होके इस टाइप के स्किन रैशेस वगैरह क्रिएट होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों क्लिनिकल फीचर, जिसके चलते हम जान सकते हैं इसका साइन और सिम्टम्स क्या है, और अभी हम इसका डायग्नोसिस पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। डायग्नोसिस के लिए दोस्तों ये हमारे एक्सपर्ट के ऊपर में ही छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारे एक्सपर्ट जो डॉक्टर जो फिजिशियन है वे ही तय करते हैं कि एक्चुअली ये स्किन एलर्जी है कि नहीं है, और काफ़ी गहराई से हमें सब केस में जांच करना पड़ता है, ताकि पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस हो सके केस और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। ये सब केस में बेसिकली दोस्तों हम TLC, DLC, ESR, IgE एंटीबॉडीज, स्किन टेस्ट वगैरह करते हैं, ताकि हम पेशेंट का अच्छे तरीके से जानकारी पा सकें। अभी हम दोस्तों इसका एप्लीकेशन पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक ट्रीटमेंट ही है कहा जा सके, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये बीमारी काफ़ी आसानी से नहीं आता है, या आने से भी काफ़ी आसानी से चला जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट है दोस्तों पोलन या सूरज फूलों का पराग हो गया। तो अगर हमें ऐसे सेंसिटिव स्किन है, जैसे कि बाग बगीचा में जाने से अगर हमारा शरीर खुजली होता है, तो हम सलाह यही देते हैं कि पेशेंट को कि आप इस टाइप के जगह पे ना जाएं, डस्ट या धूल मिट्टी के जगह पे ना जाएं, अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो, ताकि आपको इस टाइप का रेसेस वगैरह बॉडी में ना आए। फूड एलर्जी से अगर आपको कोई खान पान खाने से अगर आपको लगता है कि उस दिन आपका शरीर में खुजलाहट ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो उस सब टाइप के खान पान को आप बंद रखिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप इस प्रॉब्लम से परमानेंटली निजात पा सकें। कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आप उसका इलाज कीजिए, या ऑयली स्पाइसी जो भी खान पान है उसको आप खाना अवॉइड कीजिए, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और अगर आपका पेट साफ रहेगा तो दोस्तों आप जानते हैं कि पेट ही हमारा सेंटर पार्ट है, अगर पेट साफ रहता है तो सभी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी बीमारी हैं उन सभी में हमें कुछ ना कुछ राहत वो देता है, इसीलिए तो पेट साफ रहना काफ़ी आवश्यक है। और अभी हम दोस्तों इसका ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी के जरिए आज हम जानेंगे कि एक्चुअली इसका हम परमानेंट रिजल्ट या सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30, जिसका कि 5 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। और सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों पेट्रोलियम 30, जिसका कि 5 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों रेक्सटॉक्स 30, जिसका कि 5 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। और फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों हिपारसल 200, जिसका कि 5 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। तो दोस्तों ये 4 मेडिसिन को हमें दिन में 4 बार लेना है, सुबह 12 बजे, शाम को, रात को, वो भी खाना खाने से आधा घंटा पहले।
अभी हम दोस्तों इसका एक्सटर्नल पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट मेडिसिन है कैलेंडुला मदर टिंचर, जिसको हम जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट में खुजली हो रहा है वहाँ पे हमें कॉटन के थ्रू इसका 8 से 10 बूंद लेना है और अफेक्टेड पार्ट में अप्लाई करना है। और सेकेंड है दोस्तों अट्टी का यूरेंस का क्रीम, जिसको हम अफेक्टेड पार्ट में लगाना है ताकि हमें खुजली से राहत मिले। दोस्तों ये ट्रीटमेंट लेते ही आप देखेंगे कि सप्ताह भर के अंदर में आपको आराम आना चालू हो जाएगा और काफ़ी आसानी से आप कुछ दिनों तक मेडिसिन का सेवन करने से आपको परमानेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हम बहुत सारे लोगों को ये शंका रहता है कि होम्योपैथी मेडिसिन लेने से बीमारी को बढ़ा देगा, फिर तकलीफ ज़्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो मीथ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अपना दिमाग से बिल्कुल ही हटा दीजिए कि ऐसा जो मीथ है ये सब पुराने दिनों का ख्यालात है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली हमारे क्लिनिक में तो देखा ही नहीं जाता है। प्रॉपर आप आएंगे, परमानेंट ट्रीटमेंट और सिस्टमेटिक वे में ही ट्रीटमेंट हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि दोस्तों आपका प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर मेडिसिन लेने से पहले भी आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड दे सकूं और प्रॉपर जानकारी दे सकूं ताकि आपके मन में जो शंका है, जो दुविधा है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चालू है, अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, वो भी एक मिनिमम कंसल्टेशन चार्ज के थ्रू। इससे आपका बीमारी का प्रॉपर डायग्नोस करके हम आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे ताकि आप काफ़ी आसानी से बीमारी का इलाज कर सकते हैं, वो भी घर बैठ के। दोस्तों ऐसा और भी कोई तकलीफ जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं या कंसल्टेशन लेके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आपका जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने के लिए आपका हम मदद कर सकें। और हमारा मकसद यही है कि दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने सेवा जो एक्सपीरियंस है दे सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्वस्थ को हम स्वस्थ कर सकें, उनके प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल रहें। नमस्कार।